दोस्तों कल की वीडियो के अंदर आपने इस मोटर के बारे में काफी जानकारियां मतलब हासिल करनी, मेरे द्वारा जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैंने सब कुछ आपको देने की कोशिश किया। बाकी दोस्तों अब बारी आती है इस मोटर को रिपेयर करने की। अब इसको जब हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको मतलब चेक करवाया था तो क्या पता चला था, इसकी जो बैरिंग है और इसकी जो सील है वो खराब है। बाकी इसके अंदर और भी कुछ दिक्कत हो सकती है, वो जब हम इस मोटर को खोलेंगे तब पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए आज इसको रिपेयर करते हैं और आपको सिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपके पास में इस तरह की कोई भी आधे एचपी से लेकर के आधे एचपी से जो छोटी मोटर होती है उससे लेकर के कोई भी मोटर इससे ऊपर की आती है डेढ़ एचपी दो एचपी तक मोनोब्लॉक पंप, तो उसको आपको कैसे रिपेयर करना होता है, कैसे उसकी सील को बदलना होता है, कैसे बैरिंग ठोकना होता है, बिना टूल बिना औजारों के या सबसे कम औजारों से आप कैसे उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर, आ जाइए। दोस्तों कल की वीडियो के अंदर हमने काफी जानकारियां आपको दी और जिस भाई ने अगर उस जानकारी को नहीं सुना, नहीं सीखा है, नहीं समझा है तो जाकर के हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं। जिससे कि दोस्तों आपके पास में कोई भी मोटर इस प्रकार की आए आधे एचपी से लेकर के डेढ़ एचपी दो एचपी तक मोनोब्लॉक पंप, उसके बारे में आपको जानकारी हो, उसकी आप रिपेयरिंग कर सकें, उसको चेक कर सकें। तो कैसे कैसे दोस्तों किया जाता है जाके देख लीजिए। बाकी दोस्तों इस मोटर को हम चलाते हैं, देखिए सेम प्रॉब्लम है कि भाई आवाज़ आ रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा और इसका जो पानी का प्रेशर है बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसकी जो सील है वो लीक है। दोस्तों अब इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको ओपन करना है। कहाँ से ओपन करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसकी जो इसकी बैरिंग और सील हमें दोनों बदलना है, तो इसके दोस्तों हमें यहाँ से इसको भी खोलना पड़ेगा, इसके फैन कवर को खोलना पड़ेगा, इसकी बॉडी को खोलना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों इसको पूरी तरह से हमें अनफिट करना पड़ेगा पूरी मोटर को, यानी कि अभी ये फिट है पूरी तरह से और इसको हमें अनफिट करना पड़ेगा, एक एक पुर्जे को इसको अलग करना पड़ेगा। इस बॉक्स को दोस्तों हमें ऐसे लगे रहने देना है, इस वायर को हमें यहाँ पे ऐसे लगे रहने देना है, लेकिन दोस्तों हमें ये फैन कवर है, इसका जो बैक कवर है, इसका जो फ्रंट कवर है, इसका ये जो आगे का हिस्सा है, इसको हमें सबको खोलना पड़ेगा, तब जाकर के ही हम इसकी बढ़िया तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं, तब जाके इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से और कैसे ओपन किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ के सबसे पहले आपको इन पेचों को लूज कर लेना है और अगर जंग लगे हुए हो, देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ये जंग लगा हुआ है, देख लीजिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जंग लगा हुआ है पेंच के अंदर, तो ये खुलेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, हल्का सा जब इस तरह से जंग लगे हुए हो तो आपको हल्का हल्का, क्योंकि ये जो आधे एचपी की मोटर होती है बहुतों के अंदर ऐसे कट लगा हुआ होता है कि आप इसको सीधे सीधे ऐसे अगर मारेंगे यहाँ पे तो आराम से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और मोटर वैसे देखेंगे आप दोस्तों ज़्यादा जाम नहीं है ये, लेकिन जब कस्टमर के घर पे थी तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब जाम हो गई थी और वहाँ पे बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, तो उसका कहना था कि वैसा भी बिल्कुल चल ही नहीं रही है, तार लगाने से गूंगू करती थी पर चलती नहीं थी। तो यहाँ पे जब मेरे पास लाया तो मैंने जब इसको घुमाया तो यहाँ पे ये फ्री चलने लग गई। तो उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद में आपको पीछे का ये हिस्सा जो है कि खोल लेना है ताकि इसका जो बैक कवर है इसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। उसके बाद आगे का जो हिस्सा है फ्रंट कवर वगैरह हेड और उसको भी खोल लेंगे क्योंकि इसी बैरिंग और सील हमें दोनों बदलना है। देखते हैं इसका एम्पेलर सही है कि नहीं, अगर एम्पेलर खराब होगा तो उसको भी हमें बदलना ही पड़ेगा पानी के प्रेशर बढ़िया करने के लिए। यहाँ से दोस्तों इसको हम ओपन कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद में आपको हथौड़ी लेना है और यहाँ पे इस हिस्से पे आपको मारना है इसके जो नक्का है यहाँ पे। और वैसे अगर आपको ऐसे नहीं मारना हो, आप बैरिंग वगैरह सब कुछ अगर चेंज कर रहे हैं, सील को आपको मतलब खराब होने से नहीं बचाना है, क्योंकि दोस्तों अगर बचाना है तब तो आपको ऐसे ही आपको इसको ओपन करना है, लेकिन अगर आप इसको नहीं बचाना चाहते हैं तो आप इसको जमीन पे ले जाइए और जमीन पे ले जाकर के इस प्रकार से एक लोहा रख लीजिए और लोहे को आपको सिंपली क्या करना है, जमीन पे ले जाकर के या लोहे के ऊपर रख करके आप इसको ऐसे इधर से मार देंगे तो दोस्तों आपका ये आराम से से खुल करके मतलब बाहर आ जाएगा, आराम से खुल जाता है और हमारा जो मोटर है दोस्तों ये जो फिट था वो अनफिट हो जाता है। इस तरह से देखिए इसकी जो वाइंडिंग है दोस्तों ये बिल्कुल ओके है, वाइंडिंग के अंदर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस वाइंडिंग को दोस्तों हम रख देंगे नीचे और इसके अंदर क्योंकि हमें काम नहीं करना है, वाइंडिंग वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो दोस्तों इसका ये कवर है बैक कवर, इसको अगर हम चेक करें तो इसकी जो बैरिंग है इसके अंदर आवाज़ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी बैरिंग को चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों इसकी बैरिंग को हम जरूर चेंज करेंगे, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही थी, जब इसमें आवाज़ नहीं है तो इस आवाज़ कहाँ से आ रही थी, दोस्तों आवाज़ ये आगे वाली बैरिंग से आ रही थी, देखिए। ठीक है, ये आगे वाली बैरिंग से ये आवाज़ आ रही थी और रूटर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। ये जो है ये ऑयल वार्निश जो था वो लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
कि हमारा जो रूटर है ये कहीं पे लग रहा हो, क्योंकि इसकी जो सापट है दोस्तों ये कहीं से कटी हुई नहीं है, इसकी सापट बिल्कुल सही है, देख सकते हैं, ठीक है, कहीं से इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको भी ओपन कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और इसका इम्पेलर वगैरह आपको निकाल के दिखाते हैं। और इसको जब आप ओपन कर रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे नए नए लोग होते हैं तो जोर लगा देते हैं पूरा ओपन करने के लिए, इसको मतलब बोल्ट को खोलने के लिए, तो जिससे क्या होता है कि ये बोल्ट हमारे टूट जाते हैं, जो कि हमें इसको खोलने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वेल्डिंग वाले के पास ले जाना पड़ता है, वो भी नहीं खोल पाता है, तो इसके अंदर क्या करता है सुराख कर देता है चौड़ा, फिर आर पार सा हमें ये लगाना पड़ता है नट बोल्ट अलग से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुत सिंपल आइडिया मतलब अपनाना है, तरीका अपनाना है, वो ये कि हथौड़ी लीजिए और इसके ऊपर आपको हल्का हल्का ऐसे चोट मार लेना है, ठीक है, इस तरह से तीनों बोल्टों के ऊपर हल्का हल्का ऐसे चोट मार लीजिए, इससे क्या होता है इसका जंग अगर जहाँ पे पकड़ा हुआ रहता है वो छोड़ देता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपको हल्के हाथ से फिर से कोशिश करना है, ठीक है, देखिए अभी ये खुल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको चोट नहीं मारता इसके ऊपर तो निश्चित ये टूट जाता, फिर मेरा काम बढ़ जाता। बाकी इसके अंदर एक ऑयल वगैरह आता है, कोई केमिकल आता है WD-40, उसको भी डाल करके आप यहाँ पे उसको नरम कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपका ये आराम से खुल जाता है। नहीं तो नहीं आपके पास कुछ है तो आप इस तरह से चोट मार के भी, या उसके ऊपर पानी डाल के थोड़ी देर पानी के अंदर रख दीजिए इसको डुबो करके 5 मिनट के लिए, फिर भी आपका ये नरम हो जाता है पानी जाने से और ये आराम से खुल जाता है। वैसे इसके अंदर पानी था इसलिए पहले से ये नरम है, पानी था, आपको मैं दिखाऊँ पानी से गीला है कि नहीं, ये दिखाता हूँ, देखिए ये गीला है, ये गीला है, इधर भी थोड़ा गीला है और यहाँ पे देखिए पूरा ये पानी से ये भीगा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये पानी से पहले भीगा हुआ था। अब इसको ऐसे कैसे ओपन करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको छोटी हथौड़ी से आप चाहें तो मार करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन छोटी हथौड़ी से क्या होता है चोट नहीं लगती है और इसको टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको इससे नहीं मारना बल्कि लेना है बड़ी हथौड़ी जिससे ठोस चोट लगे इसके ऊपर। तो आपको सापड़ को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर हल्का ऐसे मारना है, ठीक है, इस तरह से देखिए मारेंगे तो आपका ये खुल करके बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इसकी जो पंप होता है वो भी कटा हुआ होता है, उसकी वजह से पानी प्रेशर कम देती है, लेकिन इसकी तो सील लीकेज थी इसलिए पानी का प्रेशर कम आ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर पंप कटा हुआ होता है तो कहाँ पे कटा हुआ होता है, दोस्तों पंप का ये जो हिस्सा है यहाँ पे जब कट जाएगा तो हमारी मोटर पानी नहीं उठाएगी, देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब कटता कैसे है, कैसे पता चलता है कटा है कि नहीं, दोस्तों ये जो हिस्सा है हमारा ऐसे जब आप हाथ फेरेंगे तो यहाँ पे क्या होता है हल्का सा आपको खड्डा महसूस होगा, है अगर कटा हुआ रहेगा तो खड्डा महसूस होगा, लेकिन दोस्तों अगर ये कटा नहीं रहेगा तो बिल्कुल ये बराबर रहेगा, थोड़ा बहुत कटा रहेगा तो भी आपको हल्का महसूस होगा, है इस तरह से जब आप इस पर हाथ फेरेंगे। उसी के साथ दोस्तों ये वाला हिस्सा तो कटा हुआ होना नहीं चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा निशान आपको नजर आ रही है चारों तरफ से, है तो ये भी आपका कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर ये भी कटा हुआ है तो भी दोस्तों आपकी मोटर का प्रेशर जो है कि वो कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत कटा है तो चल जाएगा, बहुत ज्यादा अगर कटा हुआ हो तो ये नहीं चलता, देख सकते हैं ये ज़्यादा नहीं कटा हुआ है, हल्का हल्का कटा है, जो कि दोस्तों अभी इसका पानी का प्रेशर सही आएगा। दूसरी बात दोस्तों इसका एम्पेलर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इस मोटर का जो एम्पेलर है ये भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ये एम्पेलर सही है चारों तरफ से, हम इसको अगर घुमा के दिखाएं आपको देख सकते हैं चारों तरफ से एम्पेलर सही है, और इसका जो बीच का हिस्सा दोस्तों यहाँ पे भी कोई गैप बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से हमारी मोटर पानी ना उठाए। तो दोस्तों पूरी तरह से इसका ये जो हिस्सा है आगे का फ्रंट कवर एम्पेलर और इसका जो हेड है ये हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको ओपन करेंगे और उसके बाद इसको हम जो सील वगैरह हमें चेंज करना है वो सब बैरिंग वगैरह हम इसका चेंज कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए दोस्तों दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसके अंदर पुलर का इस्तेमाल करके, जो इसका स्पेशल पुलर बनाया जाता है बना के रखते हैं हम लोग, उसको लेकर के इसको हमें खींचना होता है, जब ना निकले तो दूसरा तरीका क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, हालांकि मैंने पहले बता रखा है लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए ये है देखिए पुलर, इससे हम इसको खींचते हैं, यहाँ पे पेचोक लगा के इसके अंदर जो दो पेच लगे हुए हैं, पेच लगने के जो स्थान है उसके अंदर हम लगा लेते हैं, तो इसको खींचते हैं। चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पे, देखते हैं निकलता है कि नहीं, और नहीं निकलेगा तो दूसरे तरीकों को अपनाएंगे, और क्योंकि दोस्तों हमें रिपेयर तो करना ही है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते भाई नहीं निकल रहा है तो छोड़ दो इसको, पहले इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब टाइट हो जाए उसके बाद इसको आपको यहाँ से घुमाना है जिससे कि हमारा इम्पेलर बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों
हमारा एम्पेलर बाहर आ गया, लेकिन अगर ये एम्पेलर ऐसे ना निकले तो आप इसके लिए एक पुलर का इस्तेमाल और कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे ये एम्पेलर आपका यहाँ पे लगा हुआ रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ करके, कभी आप अगर फंस जाएं तो ताकि आप उसको निकाल सकें यहाँ से, क्योंकि दोस्तों मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो भविष्य में कभी भी। तो जब भी आप काम करते हैं और ये एम्पेलर आपका नहीं निकलता है बाहर, जैसे ये ऐसे लगा हुआ रहे ये, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको इस तरह से आपको यहाँ पे पकड़ना होता है। इस एम्पेलर को तो आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत कम रहता है, तो आपको यहाँ पे लगाना होता है बिल्कुल सिधाने पे, और उसके बाद इसको आपको यहाँ पे ऐसे टाइट करना होता है। अभी हमारा एम्पेलर बाहर आया है, तो उस समय क्या होगा, जब इसको आप मतलब इस तरह से घुमाएंगे तो हमारी ये जो सापट है दोस्तों यहाँ पे लग करके, ये जो सापट है ऐसे लॉक को तोड़ते हुए, यहाँ पे देखिए एक लॉक लगा हुआ रहता है यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे देखिए ये लॉक लगा हुआ रहता है, तो इस लॉक को तोड़ते हुए क्या होगा कि ये हमारी जो सापट है वो पीछे की तरफ चली जाएगी और हमारा एम्पेलर ये बाहर की तरफ निकल जाएगा सुरक्षित। वैसे आप सोचेंगे कि इसको मैं पेचकस वगैरह से निकाल लूँ, पेचकस से ऐसे इस तरह से मतलब निकाल लूँ, तो ये वैसे दोस्तों निकलेगा नहीं, ये आपका ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर इसको आपको दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपको इसको बिल्कुल सीधा सीधा निकालना होगा, जैसे ये फिट है वैसे ही आपको इसको निकालना होगा बाहर। तो दोस्तों ये तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका एक और है दोस्तों, अगर आपके पास में हाइड्रोलिक मशीन वगैरह है या किसी के पास हाइड्रोलिक मशीन है तो वहां पर ले जा करके भी आप इसको मतलब निकलवा सकते हैं, इस तरह से ऊपर से मतलब रख करके कुछ नट वगैरह इसको नीचे दबा देगा और हमारा एम्पेलर बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद में अब क्या करना है, हमें देख सकते हैं यहाँ पे चाबी है, एक इस जगह पे ये चाबी है छोटी सी, तो इसको भी हमें निकाल करके मतलब बाहर रखना होगा, और इसकी बैरिंग सील को छोड़ करके इसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स निकलने वाले हैं सबको आपको दोबारा से इस्तेमाल करना है, बैरिंग और सील को छोड़ करके। ठीक है, तो इस सबको दोस्तों आपको संभाल करके रखना है, उसके बाद इसका जो लॉक है, लॉक का एक प्लास आता है इस प्रकार का दोस्तों, इसको लेकर के आपको यहाँ पे ऐसे निकालना है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ऐसे निकल जाता है बाहर, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में ये प्लास ना हो इस प्रकार से निकालने वाला, तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार से दो पेचकस लेकर के इसको आप फैला करके तोड़ दीजिए और इसको निकाल दीजिए, और बाद में आपको जब नया सील लेते हैं तो उसके अंदर ये मिलता है, वहाँ से इसको आप लगा लीजिएगा नया, ये दोबारा नहीं लगेगा, ये सील के साथ आपको नया मिलता है। उसके बाद में ये जो रबड़ है दोस्तों इसके किनारे लगी हुई रहती है, बहुत लोग क्या करते हैं इस रबड़ को ही यहाँ पे दोबारा से रीयूज कर देते हैं यानी लगा देते हैं, तो इसको आपको दोबारा से यूज नहीं करना है, इसको हर बार नया ही यूज करना है, क्योंकि दोस्तों एक बार यूज होने के बाद में ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं, दोबारा लगाएंगे तो ये लूज लीकेज रह जाएगी, जिससे कि आपकी मोटर के अंदर पानी का प्रेशर बहुत कम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये निकल गया बाहर। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करना है आगे, तो इसको हमें बाहर निकालना है पूरी इस बैरिंग को, इस सापट को, तो क्या करना है, सिंपली हम इस तरह से लेंगे अपना लोहा, और नहीं तो अपने बड़ी हथौड़ी लेकर के इस तरह से हथौड़ी से मारेंगे तो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको इस तरह से क्या करना है, ऐसे हल रखना है और इस तरह से इसके ऊपर ऐसे छुट मार करके ऐसे निकाल लेना सीधे सीधे। ठीक है, इसकी सील वगैरह सब कुछ आपकी अपने आप निकल आएगी, देख सकते हैं बाहर हमारी हो गई है, और इस तरह से खींच देंगे तो हमारी पूरी पूरी सील वगैरह अपने आप ही बाहर निकल आती है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपकी मोटर बिल्कुल फिट है इस तरह से और आप निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि सील आपको बदलना है, बैरिंग आपको नहीं बदलना है, तो ऐसे में आप इसको पेचकस से ही निकालिएगा, इस तरह से निकाल करके, मान लीजिए ऐसे फंसा हुआ रहता है ये, इस तरह से फंसा हुआ रहता है, तो आपको इसको घुमा घुमा करके ऐसे, इस तरह से घुमा घुमा करके ऐसे तरह के पेचकस से ही आपको निकालना होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये निकल जाता है बाहर, और उसके बाद में दोस्तों हमारी ये बैरिंग देख सकते हैं, जिसके अंदर आवाज़ थी, देखिए कितनी आवाज़ है, हाथ में लेने से भी इतनी आवाज़ आती है, लोहे के अंदर लगेगी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी होगी। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बैरिंग को हम निकाल लेते हैं बाहर। बैरिंग निकालने का बहुत कम टूल के साथ में आप हथौड़ी ले सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो अगर आपके पास में हो तो इस प्रकार से पुलर से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन पुलर से भी कई बार दोस्तों ये निकलता नहीं, हमारे जो पुलर है दोस्तों ये फेल हो जाता है, फ्री हो जाता है, मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे में आपको क्या करना है, हथौड़ी लेना सिंपली, और इसको आपको इस तरह से मार करके हल्का हल्का चारों तरफ से ऐसे मारिए, और आपका ये जो बैरिंग है ये आराम से निकल जाएगा बाहर। देखिए बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं बाहर निकल रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मार करके इसको निकाल लेना है, और अगर ये कभी मान लीजिए बहुत ज्यादा आपने चोट मारा और ये ऊपर वाला हिस्सा टूट के बाहर निकल गया और अंदर वाला अंदर ही रह गया, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, लीजिए इस तरह से लोहा या कोई हल्के हथौड़ी ले लीजिए, और छोटी हथौड़ी लेकर के, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऊपर वाला लोहा टूट जाए तो बीच वाले लोहे पे ये जो किनारे वाला हिस्सा है, ये जो है ये जो बत्तर है
ये जब बच जाता है और फंस जाता है तो इसको आप किसी प्रकार से नहीं निकाल सकते, या तो इसको काटिए, या तो दोस्तों इसको आपको दूसरा तरीका यही है कि आप इसको ऐसे हथौड़ी पर रखिए और इसको चारों तरफ से खूब चोट मारिए। चोट मारेंगे तो क्या होगा, वो लोहे को दबाएगा या खुद फैल जाएगा, और फैल करके अपने आप ही आराम से वो निकल जाएगा, या तो टूट जाएगा या तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप उसको निकाल सकते हैं, चाहे इधर की बैरिंग फंसी हो, चाहे इधर की बैरिंग फंसी हो, चाहे इस मोटर में हो, चाहे किसी भी मोटर के अंदर। बैरिंग निकालने का ये तरीका आप किसी भी मोटर के अंदर अपना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारी ये जो साफ्ट है वो बैरिंग से विहीन हो गई है, यानी बैरिंग वगैरह हमने इसका सब बाहर निकाल लिया है। अब रही बात दोस्तों इसके अंदर सील लगाएंगे तो देखिए कितना ये कटा हुआ ये हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, तो ये क्या होगा कि सील लगाने से भी ये यहाँ पे सील की जो पानी का जो प्रेशर है पड़ेगा तो ये लीक कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या तरीका अपनाना है, सबसे पहले तो ये जो हिस्सा है दोस्तों हमें अच्छे से साफ करना होगा, और साफ कैसे होगा, ऐसे हथौड़ी लेकर के अब ऐसे हल्का हल्का मारेंगे, ऐसे हल्का हल्का हम जब मारेंगे इसके ऊपर इस यहाँ पे, तो हथौड़ी लेके हम क्या करेंगे, हल्का हल्का जब यहाँ पे ऐसे मारेंगे तो ये इसका जो ऊपर का जो परत जमी हुई है वो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, अब साफ होने के बाद में एक तरीका और अपनाना है आपको, लेना छोटा सा रैग मार बोले तो साइन पेपर। ठीक है, इस तरह से देखिए ये ऊपर की, इस तरह से देखिए ये जो ऊपर की परत है वो साफ हो गई है। अब इसको हमें थोड़ा सा और मतलब क्लीन कर लेना है ताकि हमारे सील अच्छे से बैठ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से बारीक वाला साइन पेपर ले लेना है और इसको थोड़ा सा आपको फाड़ना है, फाड़ करके आपको सिंपली इस तरह से लेना है और हाथ में लेकर के ऐसे रगड़ देना है थोड़ी देर। ठीक है, आगे वाले हिस्से को नहीं रगड़ना है, यहीं पे केवल रगड़ना है, क्योंकि हमारी सील जहाँ बैठेगी वहीं पे हमें उसको हल्का सा मतलब पतला करना है। ऐसा नहीं कर देना है कि मतलब सील हमारी बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाए, और सील इसके अंदर दोस्तों स्पेशली आपको लगानी होगी, सारी सीलें इसके अंदर नहीं काम करेंगी, क्योंकि जब सापड़ कट जाती है तो हिस्सा बहुत ज़्यादा कम हो जा थोड़ा सा कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक स्पेशल सील आती है जो टाइट होती है थोड़ी सी रबड़, उसका उसको आपको यहाँ पे लगाना है। देख सकते हैं ये हमारा साफ हो गया है अच्छे से, इस तरह से आपको भी साफ कर लेना है जो जंग वगैरह इसके ऊपर लगी रहती है। उसके बाद दोस्तों अब इसके अंदर हमें बैरिंग को ठोकना है और इसकी जो सील वगैरह है वो सब फिट कर लेना। चलिए ये सब काम हम कर लेते हैं फटाफट से। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको करने में, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसकी जो बैरिंग और सील है ये सब मैं ठोकने का जो तरीका है वो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों आप इसके तीसरे पार्ट को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम पूरी डिटेल वीडियो बना करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, क्या सील है, कैसे काम करती है, बैरिंग कैसे ठोका जाता है, बैरिंग में आवाज़ ठोकने से, बहुत कहते हैं कि हमारे बैरिंग में ठोकने से आवाज़ गई है, तो आवाज कैसे होती है और कैसे आवाज नहीं होगी, कहां पे आपको चोट मारना चाहिए, कहां पे नहीं मारना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।